रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। रहीम के इस दोहे में पानी का अर्थ हर जगह में अलग हो, पर बुंदेलखंड में पानी का नाम आते ही पानी की कमी की चर्चा हो जाती है। ये चर्चा तब और ज्यादा हो जाती है जब चुनावी रंग अपने चरम में हो, तो पानी और अन्य समस्या पर बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। चित्रकूट के रामपुर गांव में पानी की समस्या बहुत बड़ी है। 1500 मतदाता की संख्या वाले इस गांव में 40 से 45 हैंडपंप हैं, जिनमें से दो ही काम करते हैं। पथरीली जमीन और जलस्तर गिरने के कारण 300 फीट की बोरिंग करने पर भी ग्रामीणों को पानी नसीब नहीं हो रहा। भाई ये हैंडपंप अभी चल रहा है, 4 दिन के बाद जब। तो बनवाते नहीं है प्रधान लोग? यह इलाके में बहन जी कोई कुछ नहीं कर रहा भाई। कितने हैंडपंप लगे आपके गांव में? आप करीब हो, यहाँ करीब 10-15 होंगे। तो बंधा से लाए, तो मान लेते एक बोर है, कुआं से लाए। कितने कोस जाना पड़ता है बोर खातिर? कम से कम 3 किलोमीटर। और बंधा? बंधा कम से 5 किलोमीटर। कैसे पानी लाते हैं फिर? कैसे लाते हैं? बैलगाड़ी पानी नहीं मिलता है, पानी दूर है हमारे यहाँ दीदी। हाँ, इतना बोर हुए है, हैंडपंप लगे हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हैंडपंप लगे हैं, लेकिन पानी नहीं निकल रहा है किसी में। हाँ, हम सोच रहे हैं कि हमारे हैंडपंप की जगह कहीं बोर, जैसे बोर वहाँ हल्ली डाली में है तो यहाँ अच्छा बोर पानी देता है, वो उसका सप्लाईमेंट यहाँ टंकी में आता है, टंकी से हर जगह, हर गांव, हर आदमी को कनेक्शन दे और हर वार्ड में 2-2 टंकियाँ बनवाए, पानी टंकी बनवा दे। पता नहीं आज 25-30 वर्ष पहले बनी थी, उसका सप्लायर खत्म है, अब वहाँ पानी आ ही नहीं रहा। यदि सरकार बाहर से पानी भेजने का प्रयास करे तब तो यहाँ सफलता मिल सकती है, पर इस क्षेत्र में रामपुर गांव सभा के अंतर्गत पानी का वाटर लेविंग बहुत कम है। अगल बगल लगे हुए हैं तो 2-1 बोर अभी भाई लोग ने करवाए हैं, तो उसमें 2-2 इंच पानी निकल रहा है, पर कोई पर्याप्त पानी नहीं है। देश के अन्य भागों की तुलना में 75% बारिश ही यहाँ की मिट्टी को भिगाती है। पानी की कमी के कारण उद्योग धंधे भी यहाँ नहीं लग पाते, जिसके कारण अधिकतर लोग काम की खोज में दूसरे शहरों को चले जाते हैं। सबसे ज्यादा हमको पानी की है, पानी चाहिए, पानी ट्यूबवेल हो जाए तो भी अच्छा। तो पानी जब नहीं मिलता है तो घर के काम भी रुकते होंगे? अब भाई है, जैसे काम में चले गए टाइम को, टाइम को पानी चुकी तो फिर 1 किलोमीटर भरे जाइए पिए, तालाब न हो तो मड़े प्यासन मर जाए, नहा का तरस जाए। पर तालाब का पानी तो गंदा होता है। अब कुछ भी हो, गोरू बछेरू सब वही से बसा रहे मैया। चित्रकूट जिले में अब आप एमपी में क्रॉस करिए 10 किलोमीटर के बाहर, तो बताओ सरला बिरला टोटल कितनी फैक्ट्रियां हैं, तमाम हर जगह के काम है। शंकरगढ़ ले लिए जाए, बड़गढ़ में तो वहाँ भी गरीबों का आदमी कम से कम पत्थर बालू का काम है। विधानसभा चुनाव के तहत 23 फरवरी को यहाँ चुनाव होने वाले हैं, पर ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए जन प्रतिनिधि यहाँ जनता से सीधा संपर्क नहीं कर रहे हैं। ऐसे हालात में लोग अपनी परेशानी किसे बताएं? किसी प्रकार के यहाँ रोजगार धंधा तो है नहीं, अब किस तरह से परिवार पाले गरीब आदमी, ज्यादातर यहाँ गरीबों की ज्यादा जनसंख्या है। प्रत्याशी अभी कोई नहीं है। पार्टियां चाहे अभी यहाँ अपनी सरकार बनाने के लिए जनता के हाथ पैर जोड़ रही हो, पर सरकार आने पर केंद्र और राज्य में उनके सरकार न होने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारियों से कन्नी काट लेते हैं। साथ ही अपनी अपनी लहर होने की बात भी हर पार्टी यहाँ कर रहे हैं, पर जनता किस आधार पर नेता चुनेगी ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लाइट और पानी के मुद्दे पर बात हुई तो उन्होंने सीधा जवाब दिया है कि हमारी सरकार है नहीं, यदि हमारी सरकार है नहीं हमारा कोई नहीं सुनता है। कोनो विधायक होगा तो कहे कि मैं सरकार नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं क्या करूं, और जब सरकार बनने वाले है उतने की तरह से ऊपर तक बन जाए। आदमी कहा थे प्रचार वाले की मतलब उसकी लहर चल रही है, अभी थोड़ी जनता से कोई कहते कि आ कहीं का चलती है ना, जनता कोई कहा है कि कहीं देखा कहीं नहीं देखा, वो तो जनता के अपने मन की बात है। चुनावी मौसम में लोगों ने नेताओं को सबक सिखाने का मन बना लिया है। लोग अपनी मुख्य समस्या पानी की कमी और रोजगार पर खुलकर बात कर रहे हैं। अब इन लोगों का एक मत चुनावी फैसला ही रामपुर की सूखी धरती में पानी उपलब्ध कराने के साथ रोजगार और अन्य समस्याओं से इन्हें मुक्ति दिला सकता है। खैर, उसके लिए यहाँ के लोगों को सही उम्मीदवार चुनना होगा जो इनका भविष्य सुनिश्चित करेगा।